अजमेर के हालात ये हैं कि पिछले 2 साल से इस कोर्ट में काम बंद है। 130 केस प्रकरण अभी लंबित पड़े हुए हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए जो यहाँ त्वरित न्याय मिल जाता था वो अब वो भटकने को मजबूर हो गए हैं। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। देखिए, आज जो हमने मुद्दा उठाया है वो स्थायी लोक अदालतों को लेके है, जो जिनके बदहाल हो चुके हैं वो स्थायी लोक अदालत प्रत्येक जिले के अंदर स्थापित की गई हैं। और ये जो त्वरित न्याय मिलता है उसमें जैसे आपके बिजली का मुद्दा हुआ, पानी की सेवाएं हुई, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हुई, शिक्षण संस्थान संबंधी सेवाएं हुई, बीमा है, यातायात है, पेट्रोलियम है, इनको लेके जो परिवाद दायर किए जाते हैं और तुरंत रिलीफ मिलता है वो, उसके लिए स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया था। लेकिन बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि पिछले अजमेर के हालात ये हैं कि पिछले 2 साल से इस कोर्ट में काम बंद है। 130 केस प्रकरण अभी लंबित पड़े हुए हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो यहाँ त्वरित न्याय मिल जाता था वो अब वो भटकने को मजबूर हो गए हैं। सरकार ने पिछले साल इंटरव्यू ले लिए मेंबर्स के लिए। हालात इतने विकट हैं कि राजस्थान के 34 जिले में एक जिले में 2 मेंबर्स होते हैं ये कोर्ट के अंदर में, 68 मेंबर होने चाहिए लेकिन आज की तारीख में 55 पद खाली पड़े हुए हैं। राजस्थान के 4 जिले अजमेर, कोटा, झालावाड़ और जयपुर महानगर में अध्यक्ष नहीं है, यहाँ पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो ये हमने सूचना के अधिकार में हमने सूचना ली और हमें पता लगा कि इतने विकट हालात हैं और अजमेर में तो कोर्ट में काम ही नहीं हो रहा। तो जहाँ आदमी को त्वरित न्याय मिल जाता है उसके लिए न्याय, जैसे संविधान का अनुच्छेद 14 और 21 ये कहता है कि आदमी वंचित नहीं रहना चाहिए न्याय से, वंचित नहीं रहना चाहिए, या तो न्यायालय में ताले लगे हुए हैं या कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ तारीखें जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं लेकिन सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। हमने काफ़ी मुख्य सचिव महोदय को लिख दिया, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कई बार लेटर्स डाल दिए हमने के साथ, श्रीमान जल्द से जल्द इनकी नियुक्तियाँ किए जाए, लेकिन 1 साल हो गए इनके इंटरव्यू लिए हुए, आज तक कोई नियुक्तियों पर इनका ध्यान है नहीं। तो इसके लिए हम एक जनहित याचिका भी हम तैयार कर रहे हैं और जल्दी राजस्थान हाईकोर्ट में इसके लिए जनहित याचिका फाइल की जाएगी।